बदालपुर जौनपुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने यह कहकर पार्टी में हलचल मचा दी कि हमारे बीजेपी सरकार की मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। 2027 में हमारे सरकार बनेगी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से दूसरी बार विधायक चुने गए रमेश मिश्रा ने खुलेआम केंद्रीय नेतृत्व से यूपी में हस्तक्षेप और बड़े फैसले की मांग की है। उन्होंने इस मामले पर अपना वीडियो बयान जारी किया। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है।